हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिशान, आप देख रहे हैं टेक्नोटेक मलिक। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 30A की। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दें कि आजकल एक दो हफ्ते बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि व्हाट्सएप में और जियो का एक मसला जो चल रहा है। तो ये है कि व्हाट्सएप में आपको एक लिंक आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जियो अपनी तरफ से फ्री डाटा फ्री पैकेज दे रहा है उस लिंक में। तो आप जब उस लिंक में क्लिक करेंगे तो उस पर कभी आप क्लिक मत करिएगा। जो बहुत सारे लोगों ने क्लिक कर दिया, अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। इसमें आप पहली बात, अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक या ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसको पहली बात आप कभी आगे फॉरवर्ड ना करिए और ना ही इसमें अपनी कभी पर्सनल डिटेल फिल करिए। उस लिंक में कभी कभी क्या होता है, आप क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल नहीं भी भरेंगे तो उसमें क्या होता है, दूसरी तरफ जो हैकर बैठा होता है वो आपके फ़ोन की पर्सनल डिटेल ले लेगा और फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करेगा। तो ऐसे कोई भी लिंक पे क्लिक मत करिए, क्योंकि कोई भी जियो अगर देता है तो जैसे आपको पता ही, जियो ने जैसे फ़ोन वगैरह भी कभी कभी फ्री दिए थे 1500 वाले, उसमें भी लोगों ने आधार कार्ड जब लगाया था तो उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट भी लगाया था। तो जियो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा और पहली बार व्हाट्सएप में तो कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में हमेशा अवेयर रहे। कोई भी ऐसी चीज़ आती कभी आगे ना फॉरवर्ड करिए, ना उसमें कभी अपनी पर्सनल डिटेल फिल करिए। ऐसे लिंक में आपको पहली बार क्लिक ही नहीं करना है। अगर रीसेंट एग्जांपल दे तो आप मोबी क्विक का देख सकते हैं, लाखों लोगों के डाटा ऐसे ही लीक हो गए हैं। अब उस लोगों को दिक्कतें हो रही कि उनके आधार कार्ड था, पैन कार्ड करने में बहुत सारी चीज़ें होती जो आपके फ़ोन में नहीं चाहती कोई दूसरा देख पाए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। ऐसी कोई भी चीज़ों में आप कभी लिंक क्लिक मत करिए, अपनी पर्सनल डिटेल ऐसी किसी को मत दीजिए। तो खैर, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम रियलमी नार्जो 30A की, तो इंडिया में आपको इसके दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक है आपका 3GB रैम 32GB इंटरनल, एक है आपका 4GB रैम 64GB इंटरनल। बाकी आपको इसमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है आपका लेज़र ब्लैक, एक है आपका लेज़र ब्लू। दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं रियलमी नार्जो 30A में। तो बात करें हम इसकी बैक की, तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है डुअल शीट के साथ में। मतलब कि इसमें एक नीचे लाइन जा रही है, उसके बाद से जो उसके जो डिज़ाइन शुरू होती है वो थोड़ा स्ट्राइप शेड में आपको मिलेगी। ऊपर प्लेन है, नीचे थोड़ा स्ट्राइप मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रांडिंग में नहीं है, कैमरे की जस्ट नीचे छोटा सा लिखा हुआ है रियलमी 30A। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम वेट की बात करें तो 212 ग्राम का इसका वेट निकल गया है और 9.9 mm की थिकनेस से फ़ोन है, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है। थोड़ा हैवी बल्कि लगेगा लेकिन ठीक है, इतना सही है। अगर सिम ट्रे की तरफ देखें तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब कि दो सिम कार्ड और एक SD स्लॉट आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है नीचे की तरफ, मतलब एक ही स्पीकर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो आपको पता है जिस फ़ोन में सिंगल स्पीकर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक होते हैं कि आपके फ़ोन की जो बेस वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। माइक्रोफोन की बात करें तो उसमें आपको ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है, जो नीचे तक प्राइमरी होता है सिर्फ वही मिल रहा है। तो अगर हम बायोमेट्रिक्स से बात करें तो इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्राइस सेगमेंट में भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक वर्क करता है। तो अगर हम बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको रियलमी UI 1 मिल रहा है और एंड्रॉयड 10 मिल रहा है। वैसे जब इंडिया में आया था तो तभी एंड्रॉयड 10 में आया था, लेकिन अभी इसमें अपडेट आ गया तो इसमें आप एंड्रॉयड 11 में आराम से ही बहुत अपडेट कर पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उसमें भी आपको मिलेगा। और इसमें आपको कोई भी फर्जी ऐप देखने को नहीं मिलेंगे, जो भी फालतू के इंडिया में ऐप्स बैन किए गए थे उसमें से कोई भी आपको बैन ऐप देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा कोई क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। इसमें आपको LPDDR4X रैम मिल रही है, स्टोरेज आपको eMMC 3.1 आपको मिल रहा है। अगर कनेक्टिविटी की तरफ देखें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है और आपको डुअल 4G वो भी मिल रहा है, मतलब कि दोनों सिम आप 4G इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें आपको GPS ग्लोनास का भी सपोर्ट है। खैर, अगर डुअल 4G की बात करें तो जैसे कि दोनों सिम में, दोनों ही स्लॉट में आप दोनों ही 4G सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन ये फ़ोन आपको बता दें 5G सपोर्ट नहीं है। अब रियलमी ने ऐसा क्यों करा? खैर, अभी जो आगे नार्जो सीरीज़ आई है उसमें आपको 5G सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको रियलमी नार्जो 30A में आपको 5G सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 60Hz का पैनल मिल रहा है, मतलब 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और ये आपकी FHD डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ HD आपको IPS साथ मिल रही है। इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच है, मतलब कि ऊपर बीच में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है।
अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 88.7 निकल गया है, मतलब कि इस फोन में आपको थोड़े बहुत साइड में बेजल्स और ऊपर नीचे चीज थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, तभी इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो 88.7 निकल के आया है। खैर इस डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले, कलर वगैरह वीडियो वगैरह आप देखें तो जैसा भी कंटेंट आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो बात करें अगर हम इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G85 2GHz ऑक्टा कोर 12nm पे बेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चिपसेट है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसमें आप बड़े ही आराम से गेम खेल पाएंगे। अगर हाई ग्राफिक्स वाले गेम की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप अगर कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, अमंग अस हो गया और पबजी हो, वैसे भी आ ही जाएगा कुछ टाइम में, तो पबजी भी आप बड़े आराम से इसमें खेल पाएंगे। इसमें अगर हम ग्राफिक की बात करें तो हाई ग्राफिक में आप खेल पाएंगे, मीडियम में क्या मिलेगा आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप और कोई भी आपको लैगेज देखने को नहीं मिलेगा। हाई में आप खेल तो पाएंगे लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप या फिर लैगेज देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, इसीलिए इस फ़ोन का वेट थोड़ा बल्कियर और थोड़ा हैवी साइड, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 10W का अडेप्टर मिलता है टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ। तो मतलब कि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिली लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। खैर इन लोगों को 15W देना चाहिए था, इन लोगों ने 10W क्यों दिया, खैर दे दिया ये वही बड़ी बात है, वरना अडेप्टर ही हटा लेते तो फिर आपको अलग से लेना पड़ता। तो बात करते हैं हम इसके कैमरे की, तो इसमें आपको पीछे दो कैमरा देखने को मिलते हैं, प्राइमरी आपका 13MP का है, बाकी दूसरा आपका 2MP का ब्लैक और व्हाइट वाला, बाकी आपको इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में 1080p में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसमें आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड, क्रोमा बूस्ट, नाइट स्केप मोड, ऐसे 3-4 फीचर और भी आपको इसमें बैक में देखने को मिलते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 8MP की सेल्फी मिलती है और फ्रंट में भी आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, फ्रंट में आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी और ऐसे 2-3 फीचर और भी आपको फ्रंट में भी मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इसका कैमरा सेटअप ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन की प्राइस की तो इसमें आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल आपको मिलेगा 9000 रुपये का और 4GB रैम 64GB इंटरनल आपको मिलेगा 10000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से इस फोन की जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की HD है और इसमें आपको 60Hz का पैनल मिलता है, इसमें आपको वैसे कोई भी ब्राइटनेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जैसे कि पहले जो रियलमी के फ़ोन में ब्राइटनेस में दिक्कत आती थी कि जैसे बाहर यूज़ करते तो समझ में नहीं आता था फुल ब्राइटनेस के सेटिंग करने बावजूद भी, तो इसमें आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हीलियो G85 आपको प्रोसेसर मिलता है, काफ़ी सही प्रोसेसर है, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का खैर अपडेट भी आ गया है और इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको बड़ी बैटरी मिलती है इस प्राइस रेंज में। तो अगर आपका बजट 9 से 10 हज़ार रुपये का है तो इस फ़ोन को ज़रूर देखें, बस एक बात और सुन लीजिए, इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि फ़ोन को आपको लेना है कि नहीं लेना है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।